मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम सम ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे, जिस पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन लगभग एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको चार क्वेश्चन असाइनमेंट दिए थे, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो आप क्या है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है 18 की पावर 51 प्लस 12 की पावर 51 को जब 5 से डिवाइड किया जाए तो उसका शेषफल बताना क्या है। देखो 18 की पावर कितना है 51 प्लस 12 की पावर कितना है 51। अब आपको पता है कि अगर ये नंबर विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो इसका एक फैक्टर ये होगा। इसका फैक्टर कौन सा होगा? 18 प्लस 12 तो होगा ही होगा, साथ में कोई और नंबर आएगा। इसको आप किससे डिवाइड कर रहे हैं? इसको डिवाइड कर रहे हैं 5 से। ये 30 हो गया, ये 5 पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर होगा वो कितना आ जाएगा? 0। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है? 0। बहुत सारे बच्चों का, लगभग सभी बच्चों का आंसर सही भी है ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप क्या है। ये कह रहा है जब एक संख्या को 38 से डिवाइड किया जाए तो भागफल, मतलब क्वेश्चन 24, उसका रिमाइंडर आ रहा है 13, तो वो नंबर बताना है आपको क्या है। आपको एक पॉइंट पढ़ाया था कि भाज्य बराबर भाज्यक इंटू भागफल प्लस शेषफल। कहने का मतलब डिविडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब ये कह रहा है 38 से डिवाइड किया जाए तो इसका मतलब भाज्य कितना हुआ? 38। भागफल कोशेंट क्या आ रहा है? कोशेंट आ रहा है 24 और रिमाइंडर कितना आ रहा है? 13। तो संख्या बतानी है आपको। मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो आप 38 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 20 और 4 ले लो आप, इसको ले लो आप 20 और 4। 38 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 760, अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 4 = 32, 3 12 और 3 = 15, इनको ऐड किया तो कितना आया? 2 1 8 और 1 9। अगर इसमें 13 और ऐड कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 925 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। नॉर्मल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया था आपको। ये क्वेश्चन था जब एक संख्या n को 7 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल कितना आ रहा है? 3। अब 5n को 7 से डिवाइड किया जाए, अब आ देखो संख्या का 5 गुना कर दो आप, 5 गुना आपसे पूछा जाए और यहाँ जो नंबर आएगा ये क्या कह रहा है? 7 से डिवाइड कर दिया जाए। यहाँ जो नंबर आपसे पूछा जाएगा वो हमेशा इसका फैक्टर होगा। हमेशा क्या होगा? इसका फैक्टर। ये कल आपको बता दिया है। अगर मान लो यहाँ 21 होता तो एग्जामिनर यहाँ 3 पूछेगा या 7 पूछेगा। अगर यहाँ 20 है तो यहाँ 2 पूछेगा, 4 पूछेगा, 5 पूछेगा, 10 पूछेगा, 20 भी पूछ सकता है, जैसे 7 का 7। अगर आप 5 गुना कर रहे हो तो इसका 5 गुना कर दो आप। इसका 5 गुना किया तो कितना आ गया? 15। जो प्लस माइनस इनटू डिवाइड स्क्वायर क्यूब जो भी पूछेगा इस पर अप्लाई करना है। अब 15 को 7 से डिवाइड करो आप, 7 × 2 = 14, रिमाइंडर कितना आ गया? 1। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्रमागत रूप से जब आप 3, 4, 7 से डिवाइड करते हैं तो उसके रिमाइंडर 2, 1 और 4 मिलता है। अब जो नंबर आपको मिला अगर आप 84 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बताना क्या है। तो उस सिचुएशन में मैंने आपको क्या बताया था? इस जगह पर तो भाज्यक आएगा डिवाइजर, इस जगह पर नंबर आएगा और इस जगह पर आएगा रिमाइंडर। भाज्यक कौन कौन सा है? 3, 4, 7, इसके जस्ट सामने यहाँ लिखना है। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2, 1 और 4। अब आप इसको कैसे लिखोगे? ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है आपको, ये नंबर कंप्लीट करना है यहाँ, और अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसको आपको 1 मानना है। इसमें 3 केस बनते हैं, वो कल आपको समझा दिए गए हैं। ये नंबर आपका कोशेंट है, भागफल है, ये भाज्यक है, ये नंबर है, ये शेषफल है। तो भाज्यक इंटू भागफल प्लस शेषफल, 7 × 1 = 7 और 4 = 11, 4 × 11 = 44 प्लस 1 कितना हुआ? 45। 45 × 3 ये कितना हुआ? 12 और 1 = 13, 135 प्लस 2 ये कितना हुआ? 137। अगर आपसे ये नंबर पूछा जाता तो 137 होता, लेकिन उसने 137 ना देकर आपसे पूछा है कि इसको किस से डिवाइड करना है? 84 से। जब आप इसको 84 से डिवाइड करेंगे इसका रिमाइंडर क्या होगा? देखो आप 16 तो 100 तक हो गए, 16 इसके अंदर ऐड कर दो आप, ये कितना हो गया? 53। 16 अगर आप ऐड करोगे तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना हुआ? 53। तो ये क्वेश्चन के आंसर थे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सम ऑफ नंबर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप।
संख्याओं के योग जो टॉपिक आज अपने पढ़ने जा रहे हैं, उस जो टाइप अपने डिस्कस कर रहे हैं उससे उसके तीन केस हैं। पहले केस डिस्कस करेंगे, उस पर क्वेश्चन, फिर अलग अलग तरह के क्वेश्चन उस पर डिस्कस करेंगे, दूसरा फिर क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, लास्ट में आपको असाइनमेंट दूंगा। और लगभग ये टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ये कभी किसी ना किसी तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। देखो पहला केस, पहली सिचुएशन क्या है, जैसे लिखा है 1+2+3+ डॉट डॉट, यहाँ लिखा हुआ है n, सभी संख्याओं का योगफल, नेचुरल नंबर है, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है n इंटू n प्लस वन अपॉन टू। यहाँ n क्या है, यहाँ n लास्ट नंबर है, और दूसरी कंडीशन क्या है इसके अंदर, सीरीज जो है वो एक से स्टार्ट होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आपको एक से स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट होनी चाहिए। अब देखो इस पे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, देखो जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है 1+2+3+40। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये आपके रेलवे में इस तरह का क्वेश्चन आया, इसको इसकी लैंग्वेज ऐसी भी हो सकती है, 40 तक की प्रथम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, या इसको आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। प्राकृत संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर का योगफल ज्ञात करें, इसकी लैंग्वेज ये भी हो सकती है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से 1, 2, 3, 4 ऐसे, मतलब अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को यहीं पे तो सॉल्व करोगे, इसका मतलब इसको लैंग्वेज ये भी है, तो इसका मतलब ये देखो 1 से स्टार्ट हुआ, लास्ट तक गया 40 तक, तो फॉर्मूला क्या लगेगा इसके अंदर, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है, लास्ट नंबर क्या है आपका 40, एन का मान कितना हुआ 40, अब वैल्यू पुट कर दो आप, 40 और 1 कितना हो गया 41, ये 2 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना आ गया 20, 41 का डबल 82, आंसर कितना आया 820। अब इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको, जैसे मान लो कि किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कोई और नंबर ले लो प्रैक्टिस के लिए, यहाँ 200 तक लिखा हुआ है, तो कैसे करेंगे, जैसे 1, 2, 3 मान लो यहाँ 200 लिखा हुआ है, अब अपने को पता लग गया n हमारा क्या है 200 है, ये n का काम कर रहा है, अब n इंटू एन प्लस वन, 200 में 1 जोड़ेंगे 201 बटा 2, 201 के आगे 20, इसका मतलब इसका क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 20,100। इस पे जितने भी केस बनेंगे मैं सारे स्टेप बाय स्टेप आपको करवाता रहूँगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो इस पे और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जैसे मान लो तीसरा क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1+2+3 49+50+49+3 2 1, इसका आपको बताना है आंसर। पहले मैं आपको इसका पूरा मेथड बताता हूँ, फिर आप इसको डायरेक्ट बता सकते हैं कैसे, पहले अपने समझते हैं इसको डिटेल में। आपने 1 से स्टार्ट किया, लगातार गए गए हाईएस्ट कहाँ तक पहुँचे, 50 तक, संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है, लास्ट आपका n जो है वो 50 की तरह काम कर रहा है, n इंटू एन प्लस वन बटा 2, ये इसका आंसर आ गया। अब आप सोचो अगर आप 49 से कम कर रहे हैं, देखो 3 में 2 जोड़ो या 2 में 3 जोड़ो, रिजल्ट तो 5 ही आएगा, इस सीरीज को आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, ऐसे कहने का मतलब 1 से स्टार्ट करके 49 तक, अब n हमारे लिए क्या है 49, n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, 50/2 दोनों में कॉमन आ गया, 50/2 कॉमन, यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 51 और 49 दोनों कितने हुए 100 को 2 से डिवाइड किया कितना आया 50, 50 का स्क्वायर आपका यहाँ आंसर कितना आया 2500। अब आपको क्या करना है, ये जैसे 2500 आया, अब आप सोचो ये 2500 कैसे आया होगा, इस क्वेश्चन को करने का डायरेक्ट वे क्या है,
जैसे आपने एक से स्टार्ट किया तो धीरे 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 करते करते आप हाईएस्ट तक पहुंचे 50 तक, फिर आप डाउन होकर लास्ट में कहां तक आ गए, एक तक। हाईएस्ट आप कहां तक गए, 50 तक। हाईएस्ट नंबर का मैक्सिमम का स्क्वायर करना है आपको, मैक्सिमम नंबर का। तो जैसे आप 50 का स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर आपका कितना आ गया, 2500। अब इसी से मिलता जुलता मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, अब देखना इसमें का आंसर आप बताना क्या होगा। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा है 1, 2, 3, इस जगह पे लिखा हुआ है 69, 70, 69, और यहाँ जो नंबर दे रखा है 3, 2, 1। अब आप बताओ कितना इजी है। आपको पता लगा एक से स्टार्ट किया तो हाईएस्ट कहाँ तक गए, 70 तक। 70 का स्क्वायर कर दो आप, 70 का स्क्वायर कर देंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 4900। तो ये इसके अंदर एक केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप हाईएस्ट का स्क्वायर कर देंगे आंसर, पहले एक से स्टार्ट किया हाईएस्ट तक गए, फिर डाउन होके एक तक आए, जो बीच का नंबर होगा उसका स्क्वायर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके दूसरे केस समझाता हूँ अभी। देखो जैसे आपने नेचुरल नंबर को लिखा 1, 2, 3, 4 ऐसे, अब इसमें दो केस बनते हैं। अगर नंबर आपके इवन हुए, सम हुए, जैसे 2, 4, 6, 8, तब कैसे सॉल्व करेंगे। अगर नंबर ऑड हुए 1, 3, 5, 7, तो कैसे करेंगे। केस फर्स्ट ही चल रहा है, फर्स्ट का ए पार्ट, मतलब उसी के आगे डिस्कस कर रहे हैं। अगर नंबर है 2, 4, 6 ऐसे चल रहा है, और यहाँ आपने लिख दिया 2n का मतलब n बराबर 1 रखोगे तो 2 रखने पर ये कितना हुआ, 4। आप तो ये समझो कि सारी की सारी संख्या क्या है, सम है। सारी की सारी क्या है, सम है, इवन है। इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1। अब यहाँ इसको समझो क्या है ये पॉइंट, यहाँ n क्या है, n आपको क्या करना है, लास्ट नंबर जो होगा उसका आधा करना है आपको, क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। और सीरीज सारी आपकी n से, और आपकी n से स्टार्ट होगी हो तो नॉर्मल सी बात है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, अगर इसका एग्जांपल लें, जैसे क्वेश्चन दे दिया 2 + 4 + 6, और यहाँ एग्जामिनर दे रहा है मान लो आपको 100 दे रहा है, इसका आंसर बताना है आपको क्या होगा। 2, 4, 6 और यहाँ कितना दे रखा है, 100। अब आप देखो कि क्वेश्चन सम नंबर पे स्टार्ट हो रहा है। पहले मैं आपको इसका डिटेल मेथड बता देता हूँ, ये आया कैसे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो अगर आपको डिटेल में डिस्कस करना है तो 2 कॉमन लो पहले आप, ये कितना आ गया 1, 2, ये कितना आ गया 3, और यहाँ कितना आ गया 50। जैसे आपने यहाँ 2 लिखा, 1 से n तक जो अभी अपनों ने पढ़ा है, सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है, n आपका 50 है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास क्या मिला, 50 × 51। तो ये नंबर यही तो है n इंटू n प्लस 1, n क्या है, लास्ट नंबर अपॉन 2, 50 × 51, वही पॉइंट आ गया। मल्टीप्लाई किया 5, ये कितना आ गया 25, 2550। ये तो हो गया मेथड। आपको कैसे करना है क्वेश्चन में, आपको ये पता लग गया कि ये इवन नंबर है, सारे के सारे क्या हैं, इवन है, सम है, n इंटू n प्लस 1 इसका फॉर्मूला लगेगा, क्लियर है। और n कहाँ से आएगा, n आएगा लास्ट नंबर अपॉन 2, लास्ट नंबर अपॉन 2, लास्ट नंबर कितना है अपना 100, 100 को 2 से डिवाइड करो कितना आया 50, वैल्यू पुट कर दो इसकी, 50 × 51, ये नंबर हो गया आपका 25, 5, 2550। अब आप देखो कि ये क्वेश्चन अलग लैंग्वेज में भी कैसे पूछा जा सकता है। जैसे मान लो कि अगर आप 2 से 100 तक जाते, इसकी सेकंड लैंग्वेज क्या हो सकती है इस क्वेश्चन की, ये ऐसे भी हो सकता था कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, सम संख्याएं मतलब इवन नंबर का योगफल, उनका सम बताना है आपको क्या होगा, ज्ञात करें। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये हो सकती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये हो सकती है। अब आप सोचो मान लो ये लैंग्वेज ये है, तो यही क्वेश्चन है ये। आप इस क्वेश्चन में प्रथम 50, सॉरी ये कितना है 50, कैसे देखो, अगर आप 2 से 100 तक संख्या देख रहे हैं तो 1 से 100 तक में 50 सम है, 50 ही आपके विषम है, इसका मतलब सम कितने हुए 50, इसका मतलब बात तो वही चल रही है। अब इसका फॉर्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1,
एन इंटू एन प्लस वन, और नंबर कितना है 50, 50 इंटू 51 मल्टीप्लाई किया 2550। लैंग्वेज इस तरीके से भी पूछी जा सकती है, इस तरीके से भी पूछी जा सकती है। जैसे इस पर एक क्वेश्चन करते हैं आपको क्लियर हो जाएगा। और जैसे मान लो कि क्वेश्चन है 2 + 4 + 6, मान लो इस जगह पे लिखा हुआ है 200। अब आपको पता है कि अगर 200 लिखा है, मान लो ये क्वेश्चन है, लैंग्वेज में नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा वो n इंटू एन प्लस वन होगा। और n यहाँ क्या है, लास्ट नंबर अपॉन 2, कितना हुआ 100। अगर आप मल्टीप्लाई कर दो यहाँ 100 से, तो 100 × 101, 101 के आगे 20, ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या हो सकती है, फर्स्ट कितने नंबर देगा, ये 100 इवन नंबर्स, प्रथम 100 सम संख्याओं का आपको सम बताना है, इनका योग क्या होगा। क्योंकि देखो 200 संख्याओं में 100 सम में 100 विषम में, अगर ये दे रखा है तो n इंटू एन प्लस वन, एन क्या है आपका 100, 100 × 101, ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरह का अब ऑड वाला डिस्कस करते हैं इस पर। देखो अगर मान लो ये नंबर ऑड में हो, पहले का चल रहा है दूसरा केस, अगर ये नंबर ऑड में है, जैसे 1, 3, 5 ऐसे नंबर दे रखे हैं, और यहाँ दे रखा है 2n - 1, n बराबर 1 रखा, 2 में से 1 गया 1, 2 रखने पर 2 × 2, 4 में से 1 गया 3, ये सारे की सारी संख्या क्या है विषम, ये सारे के सारे नंबर क्या हैं आपके ऑड। इस सिचुएशन के अंदर जो आंसर होता है वो होता है आपका n स्क्वायर, और यहाँ जो n है, n जो होगा वो होगा आपका लास्ट नंबर प्लस 1/2। कैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा है 1, 3, 5 और यहाँ दे रखा है 99। अब इसका टोटल बताना है आपको, देखो लास्ट नंबर क्या है आपका n, अब इसका लास्ट नंबर देखो n क्या आएगा, लास्ट नंबर प्लस 1/2, 100 में 2 का भाग दिया 50। अब इसका आंसर लेके आना है, तो आंसर क्या होगा, इसका टोटल कितना हुआ, वो हुआ n स्क्वायर, इसका मतलब 50 का स्क्वायर कितना हो गया 2500 इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। अब आप सोचो एग्जामिनर क्या करेगा, इसकी लैंग्वेज को वो कैसे लिख सकता है, वो इसकी लैंग्वेज को ऐसे भी दे सकता है इस क्वेश्चन को, और कैसे लिखा जा सकता है, पहली 100 संख्या में 50 सम और 50 विषम, वो आपसे कहेगा प्रथम 50 फर्स्ट 50 नंबर्स, प्रथम 50 प्राकृत नेचुरल नंबर, संख्याओं 50 विषम, प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, योगफल ज्ञात करें। इसका मतलब यहाँ 50 की बात कर रहा है, तो टोटल नंबर कितने हुए 50, या आप नंबर ही तो काउंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा n स्क्वायर, तो ये कितना हुआ 50 का स्क्वायर, तो फाइनल आंसर कितना हो गया आपका 2500। अगर इस तरह का आंसर पूछा जाएगा तो ये दे देंगे, ये अगर ये पूछा तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो 1, 3, 5 मान लो इस जगह पर नंबर दे रखा है आपको 199। अब आप सोचो 199 ऐसे सोच लो कि 200 नंबर है, 100 सम में 100 विषम है, तो 100 का स्क्वायर कितना हुआ 10000। अगर आप ऐसा नहीं सोच पा रहे तो 199 लास्ट नंबर में 1 जोड़ दो आप भाई, अगर आप आधा ही कर दोगे तो ये तो पॉइंट में आ जाएगा, अगर ये सम होता तो आधा करते, पहले वाला केस 200 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 100, अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 100 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 10 के आगे 40, 10000 क्वेश्चन का आंसर। इसका मतलब एग्जामिनर ये भी कह सकता है कि प्रथम 100 विषम प्राकृत संख्याओं का नेचुरल नंबर का आपको बताना है टोटल, तो ये चीज़ समझ गए होंगे आप, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो सीक्वेंस क्या कहता है कि पहले आपने नेचुरल नंबर पढ़े, फिर आपने इवन पढ़ा, फिर आपने ऑड पढ़ा, अब जो क्वेश्चन आएगा इवन ऑड दोनों को मिला के आएगा। कैसे आएगा क्वेश्चन देखिए आप, सीक्वेंस आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लो क्वेश्चन है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6, ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं, +99 - 100, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे पहले मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, फिर इसके दो अलग मेथड और हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो पहले तो ऑड नंबर,
यहाँ से आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, जो पहले पढ़ाया है उसका रिवीजन हो जाएगा। जितने भी विषम संख्या उनको जोड़ दो आप, और ये तो सारी विषम संख्या होगी, प्लस ये सम संख्या जितने भी इवन नंबर हैं, या माइनस आ जाएगा, और ये सारे के सारे हो जाएंगे प्लस 2 + 4 + 6 + 100। अब आप सोचो यहाँ से इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, जहाँ तो लास्ट नंबर प्लस 1/2 कर दो, इसमें लास्ट नंबर अपॉन 2 कर दो, इसका आंसर क्या होगा n इंटू एन प्लस 1, इसका आंसर n स्क्वायर होगा। अब या फिर आप ऐसे सोचो कि 1 से 99 तक संख्या में 50 सम है और 50 विषम है, आपको ये पता लग गया कि 50 संख्या विषम है, या वो नंबर क्या है ऑड, जो किसको बताएगा n को, तो n स्क्वायर, इसका मतलब 50 का स्क्वायर हो गया ये इसका आंसर। तो अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि n जो होता है वो लास्ट नंबर में एक जोड़कर फिर अपॉन 2 करते हैं जब संख्या विषम हो, तो ये कितना हो गया 50, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। और यहाँ जो नंबर है वो क्या होगा आपका n इंटू एन प्लस 1 होगा, आंसर आपका क्या होगा n इंटू एन प्लस 1, और n क्या है, या तो सोच लो 50 सम 50 विषम, या इसका आधा कर दो लास्ट नंबर का, ये कितना आ गया 50, इसका मतलब यहाँ कितना आ गया 50 और 51। अब आप देखो कि आपके पास यह आंसर कितना आया था 50 स्क्वायर, और बीच में माइनस का साइन है, ये वाला नंबर, इसमें और इसमें कॉमन क्या आ गया 50, ये कितना हुआ 50 माइनस यहाँ कितना आया 51। 50 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया माइनस के 50। अब आप देखो कि क्वेश्चन इतना बड़ा, ये तो समझने के लिए ये क्वेश्चन 2 सेकंड का है, कैसे इसका दूसरा तरीका बताता हूँ आपको क्या है, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा आप क्या करो, दो दो संख्या को जोड़ो, जैसे 1 - 2 3 - 4 5 - 6 99 - 100, पहली दो संख्याओं को जोड़ा तो रिजल्ट कितना आया -1, फिर कितना आया -1 - 1 - 1 - 1, दो संख्या मिलकर एक पेयर बना, दो का एक पेयर, दो का एक पेयर, तो 100 संख्याओं के 50 पेयर 50 पेयर, और हर एक पेयर कितने का रिजल्ट बता रहा है -1। 50 को अगर आप -1 से गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आएगा -50। अब इससे ये इजी है, मैं आपको ये कर रहा हूँ कि ये भी नहीं करना आपको, आपको करना क्या है, आपको करना है तीसरे वाला तरीका। तीसरे वाला तरीका क्या है, जब भी साइन अल्टरनेट हो, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 हो, तो आप क्या करना है, लास्ट नंबर जो दे रखा है ना, लास्ट नंबर उसका आधा कर दो आप, बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया। लास्ट नंबर का आप आधा कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप मान लो कि इस जगह पर जैसे मान लो 200 है तो -100, इस जगह पर 1000 है 999 -500 आंसर। तो जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ क्वेश्चन है 1 - 2 + 3 - 4 ऐसे चल रहा है ये, और इस जगह पर लिखा हुआ है 999 -1000। अब आपको पता है सीरीज लगातार चल रही है, अल्टरनेट साइन है, इसका आधा कर दो बस, इसका आधा कर दिया, 2 से डिवाइड कर दो विद साइन, तो आंसर कितना आ गया -1000/2, फाइनल आंसर कितना आ गया आपका -500। तो डायरेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट लो, ये केस आपका कंप्लीट हुआ है। यहाँ देखो, यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि अगर सीरीज एक से स्टार्ट ना हो तो कैसे करेंगे, जैसे इसमें एक डाउट ये रह सकता है कि अगर मान लो सीरीज एक से स्टार्ट नहीं हो रही, 21 से स्टार्ट हो रही है और लास्ट आपको दे रखा है 60, आपका जो फॉर्मूला आप लिखते हो n इंटू एन प्लस 1/2, ये वाला जो फॉर्मूला आप लिखते हो, ये सीरीज का एक से स्टार्ट होना कंपलसरी है। अब डायरेक्ट आप अप्लाई कर नहीं सकते, इस केस में क्या करेंगे, अपने 1 से 60 तक की संख्याओं में पहले 20 माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपकी सीरीज 21 से स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब आप क्या करोगे, 1 से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 60 तक, इससे बेनिफिट क्या होगा, आप हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, माइनस आपने 1 से 20 तक मान लो नंबर यहाँ तक लिखिए, उसमें माइनस कर दो 1 से 20, तो ऑटोमेटिक सीरीज 21 से स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब 1, 2, 3 और यहाँ कितना आ गया 20। अब आप फॉर्मूला लगाओ, n क्या है इसके अंदर 60, n इंटू एन प्लस 1/2 - n कितना है 20,
लास्ट नंबर होगा एन प्लस वन अपॉन टू, क्योंकि ये विषम संख्या नहीं है ना, ये सम में लगातार चल रहा है, तो पहला पहला केस ये कट गया आपस में। देखो आप ये कितना आ गया 30, ये कितना आ गया आपका 10, 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 18 1830, 210, 18 में से 2 गए 16, 30 में से 10 गए 20, फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 1620। तो यहाँ आपने सारे केस डिस्कस कर लिए, कोई भी क्वेश्चन होगा मान लो यहाँ 51 से लेकर 150 तक पूछा जाए, तो आप 1 से 150 में से 1 से 50 माइनस कर दो। इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका भी है, वो जब मैं आपको एपी पढ़ाऊंगा, एपी मतलब समांतर श्रेणी, तब मैं आपको समझाऊंगा इसका दूसरा तरीका क्या है, अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। देखो पहला केस अपनों ने डिस्कस कर लिया, अब अपने दूसरा केस डिस्कस कर रहे हैं, स्क्वायर वाला कंडीशन हो तो कैसे होगा। जैसे क्वेश्चन में लिखा है 1² + 2² + 3² · n² इसका जो फॉर्मूला है वो है n इंटू एन प्लस वन 2n + 1/6। एग्जामिनर इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता है 1 + 4 + 9, ऐसे भी लिख सकता है यहाँ, ठीक है, यहाँ तो n स्क्वायर है। तो यहाँ इस पैटर्न पर ये आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, n क्या है, n यहाँ लास्ट नंबर है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सीरीज़ का 1 से स्टार्ट होना जरूर कंपलसरी है, सीरीज़ का 1 से स्टार्ट होना कंपलसरी है, अगर नहीं होगा तो आप स्टार्ट करवाओगे इसे। जैसे क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या है 1² + 2² + ……, यहाँ 10² ये क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में। अब यहाँ बच्चा कहता है कि सर मैं तो 1, 4, 9, 16 सारे लिख के ऐड कर लूँगा, 10 के केस में तो सही है, मान लो यहाँ 100 लिखा हो तो आप सारे स्क्वायर कैसे ऐड करोगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस केस में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है n इंटू एन प्लस वन 2n + 1/6। n क्या है, लास्ट नंबर, n क्या है आपका 10, वैल्यू पुट कर दो आप, ये कितना हो गया 10, 10 और 1 कितना हो गया 11, 10 और 2 20 और 1 21, ये कितना हो गया 6, ये 3 से कट गया देखो आप 2, ये है 7, ये 2 और ये 5। अब यहाँ देखो आप ये कितना हुआ 35 और 11, 350 में अगर आप 11 ऐड करोगे तो 385 आएगा, ये इसका फाइनल आंसर हुआ। अब मान लो कि किसी क्वेश्चन में, या कोई और प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं, यहाँ अगर 1² 2² मान लो यहाँ 20 का स्क्वायर पूछा जाए तो फॉर्मूला तो यही रहेगा। अब n क्या है हमारा, 20 है, 20 स्क्वायर नहीं 20, क्योंकि नंबर तो 20 आ रहे हैं, n × n + 1 2n + 1, 40 और 1 कितना हुआ 41, 6, 3 से कट गया ये 2, ये आ गया आपका 7, ये कितना आ गया 10, ये हो गया 7, 28, ये फाइनल आंसर कितना हुआ 2870, इस क्वेश्चन का आपका हुआ आंसर, नोट करो इसे। देखो इस पर एग्जामिनर कभी कभार क्या करता है कि क्वेश्चन ऐसा भी दे देता है कि 1² + 2² + 3² · 10². अभी अपनों ने इसका मान निकाला था n × n + 1 2n + 1/6 में, यहाँ एग्जामिनर आपको वैल्यू देगा 385 जो अभी अपनों ने निकाला था। अब आपसे पूछेगा देन 2² + 4² + 6² की वैल्यू आपको बतानी है। अब देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कभी कभार ये क्यूब में भी पूछा जा सकता है, आपको दोनों में क्या तरीका है, इसके फैक्टर करो 2 × 1, इसके फैक्टर किए 2 × 2, इसके फैक्टर किए 2 × 3। अब हर नंबर में 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 आ गया कॉमन, यहाँ क्या बचा ये वाला नंबर 1² + 2² + 3² और लास्ट में आपका 10², क्योंकि यहाँ जो एग्जामिनर नंबर देगा वो 20 का स्क्वायर देगा, ताकि इसका प्रॉपर यूज़ हो जाए। यहाँ क्या लिखेंगे इसको 2 × 10। जैसे आपने ये नंबर लिखा, देखो आप इसका, ये इसका रिजल्ट अपने को पता है कितना दे रखा है 385, 4 को 385 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 4 कितना हुआ 20, 2, 32 और 2
चौंतीस तीन 12 और 3 कितना हुआ 15। देखो एग्ज़ाम में क्या होता है, अगर आपको ऑप्शन टिक करना है, जैसे आपने यहाँ 4 लिखा तो अपने को ये भी तो कंफर्म हो गया कि हमारा जो आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। आप इसमें देख लो लास्ट की दो डिजिट आपको बता रही है कि इसमें 4 का भाग जाता है। और एक केस क्या हो सकता है कि अगर सीरीज लगातार ना हो, जैसे मान लो कि क्वेश्चन आपको दे दे एग्जामिनर 21 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर ऐसे, और यहाँ दे दिया 40 का स्क्वायर। अब मैंने आपको नेचुरल नंबर में भी बताया, पहले आप 1 से 40 लिखो, 1 से 20 माइनस कर दो। इसको कैसे लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर तक, और इसमें से माइनस कर देंगे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। अब यहाँ आपने फॉर्मूला लगाना है n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस 1 अपॉन 6। इस फॉर्मूले में यहाँ n कितना है 40, रिजल्ट आ गया। फिर यही फॉर्मूला आप यहाँ लगाओगे, इस जगह पर n की जगह क्या लिखोगे आप 20, तो वो आप सॉल्व कर लेना जो भी आंसर आएगा। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको इस तरीके से करना है। अब हमारा एक ही केस बचा है, अब उसके बाद वो डिस्कस कर रहे हैं। देखो तीसरा केस क्यूब वाला, 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब 3 का क्यूब n का क्यूब, ये किसके बराबर होता है, जो आपने 1 से n तक नंबर लिखे हैं पहले तो वो लिखो आप, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, जो नंबर आपके लिखे हुए हैं इसका होल स्क्वायर इसका आंसर है। क्लियर? देखो आप जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब और इस जगह पे लिखा हुआ है 10 का क्यूब। अब n क्या है, 10 है, वैल्यू पुट कर दो आप n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, n का मान कितना हो गया 10। 10 इंटू 10 और 1 कितना हुआ 11, 2 का स्क्वायर ये कितना हुआ 5, 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से 30, 3025 इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आप स्टार्ट कर सकते हैं, अगर बीच में पूछा है तो 1 से स्टार्ट करके जितने नंबर हैं वो माइनस कर देंगे। इतने ही केस हैं, ज़्यादा आपको फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने ही क्वेश्चनों से आपके एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो सकते हैं। तो अब अपने करते हैं असाइनमेंट आज के, जो आपको कमेंट बॉक्स में डिस्कस करने हैं। देखो आज के क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले, कि जैसे कि अपना जो भी बच्चे नए जुड़े हुए हैं, देखो एक तो अपना टेलीग्राम चैनल है मनदीप मैथ्स नाम से, मनदीप मैथ्स, एक तो आप उसे ज्वाइन कर लो आप टेलीग्राम चैनल। इसमें जितने भी क्वेश्चन की पीडीएफ वगैरह आपको इसी पे मिलेंगी, इन फ्यूचर जितने भी पेपर आपको सॉल्व करा दिए सारे के सारे इस पे आएंगे। अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं, ये सर्च नहीं हो रहा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा क्या है, हमारा यहाँ YouTube के साथ साथ एक पेड कोर्स भी है, जिसमें जो बैच चलता है मैथ्स का वो चलता है लाइव। बैच क्या, कौन सा चलता है लाइव, हर रोज़ 1.5 से 2 घंटे की क्लास होती है, जिसके अंदर आप अपने डिस्कशन पूछ सकते हैं, जिस पर जैसे क्लास होती है पर्टिकुलर उसके असाइनमेंट दिए जाते हैं, सब्जेक्ट को काफ़ी डिटेल में पढ़ा जाता है, स्पेशली जो SSC टारगेट बच्चे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो आप बैच ले सकते हैं। उसका लिंक भी नीचे जो आपके स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं उस पे कॉल करके कंफर्म करवा सकते हैं आप। ये दो बातें अगर आप इंटरेस्टेड हैं, बाकी NTPC का तो इसमें मैं करवा ही रहा हूँ। तो आज के जो क्वेश्चन अपने डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, देखो स्क्रीन पर देखिए आप क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं, और इसके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देने हैं। और बाकी आप लाइक शेयर, आप पढ़ लेते हो, आप लाइक शेयर बहुत कम करते हो, बहुत कम रेशो रहता है, ये चीज़ गलत है। जो पढ़ते हैं तो उस चीज़ को लाइक करना एक नैतिकता, एक जिम्मेदारी होती है, कोई भी चीज़ करता है तो उस चीज़ को अप्रिशिएट करना सीखना चाहिए ज़िंदगी में। तो लाइक शेयर ही आपकी फ़ीस है यूट्यूब की, इसके अलावा कोई फ़ीस नहीं है। और इसके बाकी कल हम नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही है। साथ के साथ इसके कमेंट हर बच्चे को करना है, और लास्ट में हो सका मैं इसके मिसलेनियस क्वेश्चन का कुछ PDF आपको भेजूँगा। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ऑल दी बेस्ट।